तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि हर एक नए टॉपिक से आता हूँ, आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम जैसा कि मैं एक नई टैंक सेटअप करने वाला हूँ, तो उसका अपडेट हर अपडेट देता जा रहा हूँ। मैं अपडेट दे रहा हूँ, तो आज मैं यहाँ पर एक वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह हम बैकग्राउंड को लगाते हैं। हालांकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, फिर भी मैं दोबारा एक बार आपको डेमो देता हूँ कि किस तरह इसको सेटअप करना है, क्योंकि नया टैंक बना रहा हूँ तो हर एक बार मैं अपडेट दे रहा हूँ। तो चलिए किस तरह इसको सेटअप करते हैं। आप चाहे तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे किस तरह का हम जो बैक सीनरी होते हैं अंदर या लगाना है बाहर, लेकिन इसका बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसको अंदर लगाना है बाहर, तो हमको इसको बाहर से लगाना है। यहाँ पर देखिए दो टेप्स के हैं। ये हमको 30 रुपीज़ पर फीट मिला था, मैंने 3 फीट का लिया है 45 रुपीज़ में। तो ये मैं यहाँ पर जो सीनरी है ये नहीं यूज़ करूँगा, बल्कि यहाँ पर जो ब्लू कलर है, क्योंकि मैं सेटेलाइट टैंक बनाने जा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। जो यहाँ पर ये सीनरी है उसको यूज़ करूँगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर इस तरह लगा देना है टचअप करके। तो इसको जो टैंक जो है सीधा खड़ा करके भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह लगाने से क्या होगा, कंफर्ट होगा और आपको थोड़ा मालूम जो है रिंकल्स नहीं आएंगे। नीचे रख कर रखेंगे तो रिंकल्स आने के चांसेस हैं, थोड़ा हाइट पर रख लेंगे तो रिंकल्स नहीं आएंगे। तो सिंपली क्या करना है, इसको आपको सबसे पहले यहाँ पर हल्का सा टेप लगा लेना है। ज़्यादा टेप लगाने से भी फ़ायदा नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा इतना लगा कर इस तरह लगा लें। तो वन साइड का हो चुका है, दूसरे साइड का हम कट कर लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा है तो उसको रहने देते हैं। उसको थोड़ा हमको खींच कर लगाना है तो क्या, ताकि रिंकल्स ना आए। सिंपली आप टेप से भी लगा सकते हो। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि इस तरह की टेप लगाने के बाद निकल जाती है। आप थोड़ा प्रॉपर इसको रिंकल्स आने ना दें, बीच में एयर ना लगा, और इस तरह बीच में एयर्स ना आए तो ये नहीं निकलेगा। आपको ध्यान रखना है कि बीच में एयर्स ना आए, एयर्स आए तो निकल जाएगा, एयर्स बबल्स बीच में ना आए तो आप 100% ये इसी तरह अटैच रहेगा। और इस तरह की छोटी टेप है मेरे पास, आप बड़ी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे पास यही है इसलिए मैं यही लगा रहा हूँ। तो थोड़ा इसको खींच कर लगाना है, क्योंकि बीच में बबल्स नहीं आना, बबल्स आएंगे तो बाद में जाकर ये निकल सकता है। बीच में हेयर नहीं लेना है, पूरा साफ इस तरह से रहना है। नीचे की साइड में भी लगा दें, इससे क्या होगा ये नहीं निकलेगा। थोड़ा सा टेप लगाकर छोड़ देंगे तो बार बार निकल जाएगा। इस तरह आप लगाकर छोड़ दें तो ऊपर साइड भी लगाना है, लेकिन यहाँ पर अभी देखिए ये थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए हम साइज़ के हिसाब से कट कर लेते हैं, जितना ग्लास है उतना। एक्चुअली ये 2 फीट की है और मैंने टैंक बनवाया है 20 इंचेस का, क्योंकि ज़्यादा हाइट होने से भी टैंक का लुक ख़राब हो जाता है। 2 फीट का भी बना सकते हैं, लेकिन 20 इंच काफ़ी है, तो एक्स्ट्रा था मैंने निकाल दिया। तो यहाँ पर भी इसको लगा लेना है। तो इस तरह लगाने से अभी ये साल भर आपको रह जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी।
तो मैं दिखाता हूँ किस तरह इसको मैंने अप्लाई किया है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं बैकग्राउंड यूज़ करने वाला था जो ग्रीन कलर का है, लेकिन वो प्लांटेड टैंक के लिए सही है। अभी तो मैं सिंपल टैंक्स बना रहा हूँ, तो इसके लिए 3D टाइप का थोड़ा कलर जो है अलग लग रहा है ये, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है। थोड़ा 3D टाइप लग रहा है, तो देखते हैं पूरा सेटअप करने के बाद किस तरह ये लगेगा। तो वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। फिर एक नए अपडेट के साथ आऊँगा, इसी तरह आपको अपडेट देता रहूँगा नई टैंक सेटअप के ऊपर। तो मेरे चैनल पर बने रही है, बहुत सारे वीडियोज़ इसके ऊपर आएंगे आगे भी कंप्लीट सेटअप होने तक। तो जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सरेकाल, गुड बाय।